गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भागवत गीता अष्टादश अध्याय। उनतीस नंबर श्लोक। तीस नंबर श्लोक है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षंच या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षंच वेति या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जी प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षंच या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य अकार्ये भयाभये बंधं मोक्षंच या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझती हो ऐसी बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? संसार के कार्यों को करते हुए। कौन से कार्यों को? जो कार्य वेदों के अनुकूल हैं, जो कार्य वेदों के द्वारा निहित किए गए हैं, उन कार्यों को करते हुए, संसार के भोगों को भोगते हुए जो व्यक्ति निवृत्ति को समझ पाता है, मतलब संसार के भोग संसार में रहने के लिए नहीं मिले, संसार के भोगों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए संसार के भोगों को ग्रहण करते हुए जो निवृत्ति मार्ग की तरफ चल पड़े, प्रवृत्ति से जो निवृत्ति की तरफ ले जाने वाली बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि है? सात्विकी। जो भय से अभय में ले जाने वाली बुद्धि है। भय क्या है? भय किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु का भय।
मृत्यु के भय से जो अभय में ले जाने वाली बुद्धि है, जहां भय से अभय को दर्शाने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि सात्विक है। इसी प्रकार से जो कार्य, जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कार्यों से अकार्य अर्थात निष्काम कर्म में ले जाने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि कौन सी है? सात्विकी। बंधम मोक्षं च, जो बंधन को समझाए कि यह बंधन देख ले कितना इसमें सुख है, और बंधन से मोक्ष की तरफ ले जाने वाली जो वृत्ति है, बुद्धि है, वो क्या है? सात्विकी बुद्धि। कल हमने इसे श्रवण किया था एक अलग प्रकार से, आज इसे अलग प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। यहां शब्द दिया है, इनको इनके भेद का निर्धारण जो करने वाली है, भय अभय, कार्य अकार्य, इनको जो प्रवृत्ति निवृत्ति निर्णय कराने वाली, भेद कराने वाली बुद्धि को ही वास्तविकता में सात्विकी कहा जाता है। हमें तो मालूम है जी, हमारी तो बुद्धि सात्विक हो गई नहीं, क्योंकि हमारी वृत्ति जो है, जब वृत्ति ही सात्विक नहीं है तो बुद्धि कहां से सात्विक होगी? बुद्धि की वृत्ति कहां ले जाती है हमें? पहले हमने तामसिक, राजसिक और सात्विक वृत्ति के बारे में समझा था, याद है? नहीं याद? जिसमें आलस्य, प्रमाद, हिंसा, तो वो जो वृत्ति है कार्य करने के लिए, प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वो वृत्ति बुद्धि के कारण से ही होती है। अगर सात्विक बुद्धि है तो हम सात्विक कार्य करते हैं, राजसिक बुद्धि है तो हम राजसिक कार्य करते हैं, तामसिक बुद्धि है तो तामसिक कार्य करते हैं। तो कार्य करने के लिए जो वृत्ति है, वो जो कर्म करवाती है, जो हमारी बुद्धि कर्म करवाती है, मन के द्वारा जो प्रवृत्त करवाती है, वो बुद्धि के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव था, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लिया था, लेकिन आज समय पे ही समाप्त होगा। बंधन से मोक्ष में क्या भेद है? जब बंधन से मोक्ष की तरफ ले जाने वाली, प्रवृत्ति से निवृत्ति में ले जाने वाली, जब प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या भेद है? कार्य क्या कार्य है, क्या निष्काम कार्य है, अकार्य है, इसको भेद करने वाली, भय और अभय में भेद करने वाली बुद्धि ही सात्विक है। इकतीस नंबर श्लोक। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थराजसी। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च अकार्यं अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी।
यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। तुम थोड़ी आवाज धीरे रखा करो, दूर होने से नहीं होता, क्योंकि अन्य जो लोग हैं उनकी आवाज भी आनी चाहिए। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म कार्य अकार्य अयथावत सम्यक रूप से नहीं जाने जाते, वही बुद्धि राजसिक है। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म कार्य अकार्य इत्यादि का भेद भली भांति समझना संभव ना हो पाए, वे बुद्धि राजसिक है। जैसे कैसे समझेंगे धर्म अधर्म? हम जिसे धर्म समझते हैं सात्विक बुद्धि के द्वारा, वो धर्म किसे समझते हैं? हम धर्म समझते हैं आत्मा के धर्म को। धर्म धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है जो धारण करे। किसके धारण करे? स्वाभाविक रूप से जिसका है जैसा है वैसा धारण करे। जिसका है जैसा है वैसा धारण करने का मतलब क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, जलाना, प्रकाश देना, ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि का धर्म क्या हो गया? ताप और प्रकाश, दो धर्म हो गए। जल का धर्म तरलता, स्निग्धता, तरल है, स्निग्ध है, शीतल है। जल का धर्म जल के रूप में अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं होता उसका, बदलता नहीं, जल के रूप में, अंडरलाइन करने वाली बात। लेकिन वो धर्म बदल करके बर्फ बन जाए, बदल करके वाष्प बन जाए, वाष्प होके अदृश्य हो जाए, ये उसके अंदर का एक विकार है। ठीक है, किसके अंदर का विकार है? जल का, क्योंकि जल इतना ही तरल है कि संग प्राप्त करते ही ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी प्रकार से राजोगुण का जब आत्मा के साथ में बुद्धि के द्वारा संसर्ग होता है तो वो बुद्धि राजसिक हो जाती है। जहां बुद्धि का जब रजोगुण के साथ संपर्क होता है आत्मा की कृपा से, कृपा मतलब आत्मा की शक्ति के बिना बुद्धि क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा के सहयोग से, तो राजसिक होने के नाते अपनी स्वाभाविक वृत्ति से, अपने सात्विक वृत्ति से वो हट जाती है। समझे नहीं? समझे नहीं? ऊपर से निकले, ध्यान ही नहीं दे रहे, तुझे भी नहीं समझ आया। बुद्धि जब रजोगुण के द्वारा, रजोगुण का संग करने के कारण से जब भ्रमित हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे जल अग्नि का संसर्ग करने के बाद भ्रमित हो गया तो वो वाष्प बन के उड़ने लगा। अब वाष्प बन के उड़ते हुए उसे जितना भी समझा लो कि धर्म ये है, तेरा स्वभाव है बहना, उड़ना नहीं है, जितना भी समझा लो वो समझेगा?
वो समझ ही नहीं सकता वाष्प जो है, वो बह ही नहीं सकता। उसको ठंडक में डालो फिर वो बहने लग जाएगा। अच्छा, ज्यादा ठंडक में लगी तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, तमोगुण अविष्ट हो जाएगा। रजोगुण में उड़ने लगा, वाष्प बन गया। दिखा रहा हूं मैं, देखो क्या हूं। थोड़ा ठंडक मिली वो बादल बन गया, ज्यादा ही ठंडक मिली बर्फ बन गया। तो इसलिए स्वाभाविक जो वृत्ति है वो है सात्विक वृत्ति, वो है सात्विक बुद्धि। उस स्वाभाविक बुद्धि में वो भेद कर पाता है, लेकिन इसमें भेद नहीं कर पाता कि धर्म क्या अधर्म क्या। जैसे उदाहरण के लिए बलि प्रथा, देवी पूजा बलि प्रथा, उदाहरण के लिए गणपति विसर्जन, उदाहरण के लिए देवी मां का विसर्जन, ये सारी की सारी धर्म दिखने वाली प्रक्रियाओं में पूर्णतः अधर्म है। धर्म है ही नहीं ये। जिस इष्ट की तुम आराधना कर रहे हो, उस इष्ट को कैसे बहुत 7 दिन तक पूजा, 4 दिन तक पूजा, 9 दिन तक पूजा करने के बाद में तुम उसको उठा करके कैसे पटक सकते हो, कैसे उसकी बेकदरी कर सकते हो? 10 दिन पहले वो मट्टी थी, 10 दिन बाद मट्टी हो गई, बीच में तुम्हारा देवता बन गया, ये कैसी प्रथा है? ये अधर्म था, अधर्म है, लेकिन राजसिक बुद्धि होने के नाते तथा कथित अपने स्वार्थों के नाते से वह देवी देवताओं को आवाहन करते हैं और उसके बाद देवी देवताओं का भी विसर्जन कर देते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। मैंने ये बात वैदिक ब्राह्मणों से की, कहते हाँ विसर्जन है। मैंने कहा पूजा विसर्जन है, देव विसर्जन कहीं नहीं है। कहते नहीं, हमारे यहां पे देव विसर्जन भी होता है। मैं कहा फिर वो देव ही नहीं है जिसका विसर्जन हो। विसर्जित वस्तु को दोबारा से आप आह्वान कैसे कर सकते हैं? कहते नहीं, उसके साथ होता है कि भी मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, जाने अनजाने में मैंने जो अपराध किया है, हे देव मैं आपको विसर्जन शब्द का अर्थ उन्होंने बतलाया कि वापस चले जाना, कि आप आए थे अब वापस जाओ। मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी अर्थ हो सकता है, लेकिन यह अर्थ मुझे पर्सनली अनुचित लगता है। उसका कारण ये, माल्य विसर्जन होता है, प्रसाद जूठन हो जाता है वो विसर्जित होता है, जल विसर्जित होता है, जो विसर्जन किया जाता है उसको पुनः पूजन नहीं किया जाता। तो अगर देव का एक बार विसर्जन हो गया तो उसका पूजन नहीं होता है। ये हुआ कब था, कब ये शुरू हुआ था? देव विसर्जन हमारे सनातन संस्कृति में कब आया? अगर पाश्चात्य एकदम पुराने इतिहास को उठा के देखेंगे तो ये लगभग आज से लगभग 1000 साल पहले आया, देव विसर्जन महाप्रभु से पहले। कैसे आया? उस समय जब मुसलमानों ने अत्याचार करना शुरू किया, जहां जहां जिस जिस राज्य में उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया, वहां वहां उस राज्य के जो भी देव थे, पूजा करने वाले थे, देव देवियों की या भगवान की पूजा करने वाले थे, उन सब को उन्होंने बोला कि तुम अगर जीना चाहते हो तो जिसके तुम ये करते हो इसको फेंक दो। तो उन लोगों ने डर के मारे रोते रोते जिस दिन उनकी पूजा की उसी दिन, मतलब अब आप हमारा तो अभी शिव पूजन है, फलाने दिन आ जाएगा, उस दिन ठीक है, उस दिन के बाद अगर देखा तो तुम्हें खत्म कर देंगे। तो वो शिव पूजन के दिन शिवलिंग की जो है विसर्जन, शिव मूर्ति का विसर्जन, देवी पूजन के दिन देवी पूजा का विसर्जन, तो वहां से शुरू हुआ ये विसर्जन। लेकिन अब ये धर्म बन गया है। अगर मैं इस विषय में बोलता हूँ खुलेआम तो मेरे को भी मार डाला जाएगा। कहते हैं ये बुद्धि राजसी है, अपना तथा कथित स्वार्थ के लिए
इस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म का ज्ञान या भेद नहीं कर पाता है मनुष्य, समझे नहीं। इसलिए जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को ना समझा जाए, जैसे उदाहरण के लिए ये तो हो गया देव की बात, और धर्म आत्मा का क्या है? आत्मा का धर्म सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद ही उसका धर्म है। आत्मा असत तो नहीं है, असत नहीं है तो फिर मरने का भय क्यों? जो नित्य है उसे मरने का भय तो हो नहीं सकता। मरने का भय इसलिए क्योंकि वो अपने आप को मरणशील समझती है, इसलिए उसे भय रहता है, और उस भय के कारण से ही आत्मा की जो क्रियाएं हैं वो बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए शरीर में आविष्ट है तो शरीर की मृत्यु का भय है, इसलिए इससे अभय प्राप्त करने के लिए, इन संसार के चक्रों से निकलने के लिए वो सोचती है कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। क्या वास्तविकता में जीव बृहन्नत बृहन्नत्वात् जो बड़े से भी बड़ा है, जो अनंत है, क्या वह अनंत ब्रह्म है? इच्छुद्र जीव जो कि बालाशत्र अग्रवाघस्य, जो बाल के सोवे हिस्से के 100 हिस्से और कर दिए जाए अर्थात 10,000 में हिस्से के बराबर है, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से के बराबर में छोटी सी आत्मा, क्या अनंत ब्रह्मांडों को आलोकित प्रकाशित करने वाली या रचना करने वाली, सृष्टि करके उनको अपने में स्थित और लय करने वाले ब्रह्म का क्या वह है या हो सकती है? कहते ब्रह्मांश ब्रह्म ही है, जलकांश जल ही है, अग्निकांश अग्नि ही है। निश्चित रूप से जलकांश जल है, लेकिन जल बिंदु को आप समुद्र नहीं कह सकते। जब आप समुद्र कह रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो समुद्र नहीं, समुद्र का है। का होना और वस्तु होना अंतर है। पिता का पुत्र ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन पिता नहीं पुत्र पिता नहीं हो सकता। अपने पुत्रों का पिता हो सकता है, आगे की सृष्टि कर सकता है। जीव के अंदर समर्थ दिया है भगवान ने कि वो आगे की सृष्टि को कर सके, किसी और का पिता बन सके, किसी और के लिए ब्रह्म बन सके, लेकिन स्वयं के लिए वो ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित कभी नहीं हो सकता। क्यों? शंकराचार्य जी ने गलत कहा क्या? शंकराचार्य जी ने जो कहा है बहुत कुछ कहा है। ब्रह्म कहा लेकिन परब्रह्म कहीं नहीं कहा, परात्पर ब्रह्म कभी नहीं कहा। अगर कहा होता तो वो ये नहीं कह सकते थे गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो मैं समझाने आया था कि तुम ब्रह्म हो, पर ब्रह्म की सेवा करो, तुम्हारे समझ में नहीं आया। कृष्णात परतरम किमपि तत्वम अहम न जाने, परतर तत्व जो है कौन है, पर ब्रह्म कौन है, वो उससे श्रेष्ठ कौन है मैं नहीं जानता हूं, इसलिए तुम पर ब्रह्म की सेवा करो, ये बताने के लिए उन्होंने मूढ़ बोल दिया उनको। कहते ऐसे जो मूढ़ अवस्था आती है वो राजस रजोगुण के कारण आती है। क्यों रजोगुण के कारण आती है? अपने आप को वो किसी से कम नहीं समझता, और नहीं कम समझने के कारण उसके अंदर शक्तियां तो आती हैं, शक्तियां तो प्राप्त होती हैं उसको, जीव को, क्योंकि उसके अंदर जो भक्ति की जो भी क्रिया है, जहां योग जहां ज्ञान की जो भी क्रिया है, वो क्रिया से आवश्यक रूप से संसार के ऐश्वर्य मिलेंगे, रिद्धि सिद्धियां मिलेंगी। परंतु वो रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके वो जीव अपने को कर्ता समझ ले तो भगवान कहते हैं मूढ़ो मामा भी ना जानती। मूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं जानता, वो मुझको अपनी तरह समझता, मानुष्यम तन्माश्रितम। तो इसलिए धर्म दिखने में लग सकता है ये धर्म है, क्या मैं ब्रह्म हूं, ये लग सकता है धर्म,
लेकिन अगर वो परब्रह्म के प्रति शरणागत नहीं है तो वो ब्रह्म भी पतनशील है। क्या अब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, युक्ति पीछे है, तर्क पीछे है और शास्त्र पीछे है, तब ये बात कह रहा हूं। अगर वह परब्रह्म से परब्रह्म के साथ में युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो ऐसे ब्रह्म का, ऐसे ब्रह्मवादियों का, ऐसे अपने आप को ब्रह्म समझने वाले का पतन है। कहते कैसे हो सकता है ब्रह्म के अंदर से पतन कैसे हो सकता है? कहते पहले कैसे हुआ और अभी कैसे हो रहा है? अभी भी तो जीव जो है ब्रह्म से ही, यतो वैमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रजन्ते विशन्ति विशन्ति तद्वै जिज्ञास तदैव ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद। जिज्ञासा करने के लिए क्यों बोला ब्रह्म को? ब्रह्म को ब्रह्म के जिज्ञासा के लिए क्यों बोला? इसलिए वो ब्रह्म परब्रह्म है और तुम ब्रह्म हो। क्यों परब्रह्म कहा? परब्रह्म कहने का अभिप्राय होता है प्रतिष्ठित ब्रह्म, जिसके द्वारा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो रही है वो कहते हैं परब्रह्म। जिसके द्वारा ब्रह्म की क्या हो रही है? प्रतिष्ठा। सूर्य के द्वारा प्रकाश की क्या हो रही है? प्रतिष्ठा। तो सूर्य क्या हुआ? प्रतिष्ठित ब्रह्म हुआ। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम। मैं अक्षरम, मैं ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, अव्यय ब्रह्म जो है, उसकी प्रतिष्ठा हूं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में। गीता को पढ़ते हुए भी ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा मैं शायद कुछ गलत शब्दों का उपयोग करना चाहता हूं, गीता को पढ़ते हुए भी, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी, जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु का अंश ना समझते हुए, अपने आप को परब्रह्म का अंश ना समझते हुए, अपने आप को उनके अधीन ना समझते हुए स्वतंत्र रूप से ब्रह्म की परिकल्पना करता है, वो वास्तविकता में धर्म को भी नहीं जानता और जो अधर्म वो कर रहा है, गलती वो कर रहा है, उसे भी वो नहीं जानता। धर्म ये है कि जिसका मैं हूं उसके लिए रहूं। क्यों ये शब्द आया? यतो वैमानी भूतानि जायन्ते। कहते भूतानि का मतलब पंच महाभूतानि। अरे पंच महाभूतानि जायन्ते? कहते हाँ, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं है, पंच महाभूतों का जन्म। अरे मान लिया पंच महाभूतों का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं, तो जायन्ते शब्द का प्रयोग क्या पंच तत्वों के लिए किया? अगर ऐसा ही होता तो येन जातानि जीवन्ति शब्द नहीं आता। जीवन्ति शब्द जो है मुर्दे के लिए नहीं होता है, जड़ के लिए नहीं होता। जो जीवन धारण करता है वो जीवन्ति कहा जाता है उसके लिए। तो ये आत्मा के लिए प्रयोग हुआ, पंच महाभूतों के लिए नहीं हुआ। पंच महाभूत जड़ थे, जड़ हैं, जड़ रहेंगे। और उसके बाद जहां फिर द्वारा प्रवेश कर जाते हैं उस ब्रह्म को, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ही सभी का भोक्ता करता मालिक हूं, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, मेरे से सारी सृष्टि हुई है, मुझ में ही विलीन हो जाएगी, तो भैया जब तुम्हारा शरीर नष्ट होगा तो सारी सृष्टि भी नष्ट होनी चाहिए। किसी भी ब्रह्म ज्ञानी की, किसी भी योगी की, जो अपने आप को, अपने पिंड को ब्रह्मांड समझते हैं, उनके पिंड को ब्रह्मांड समझने की कल्पना को अधर्म ही कहा जाएगा। क्यों अधर्म कहा जाएगा? क्योंकि अस्वाभाविक। अधर्म मतलब अस्वाभाविक, धर्म का मतलब मैंने पहले बताया स्वभाव। अधर्म मतलब अस्वाभाविक वृत्ति को धारण किया हुआ है। पिंड कभी ब्रह्मांड था नहीं, ब्रह्मांड हो नहीं सकता। दर्पण के अंदर सूरज चमकने के नाते, चंद्र चमकने के नाते, वो चंद्र नहीं है, बट वो दिखने पर भी वो चंद्र नहीं है। चंद्र का क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को आप चंद्र कह रहे हैं, ये एक पाक्षिक हो सकता है, एक साइड बाय साइड कह सकते हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुणों के द्वारा आभूषित नहीं है तो वो असुर भी है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कौन थे?
जितने भी असुर हुए हैं वो कौन थे? सारे तो सारे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कैसे थे जी? ऋषि संतान ही तो थे सारे। इसलिए ऋषियों से प्रकट हुए, ऋषियों से आई हुई जितनी संतानें सारे ही मूल रूप से ब्राह्मण थी, परंतु अपने अपने स्वभाव को छोड़ने के नाते, अर्थात धर्म को छोड़ने के नाते, अस्वाभाविक वृत्ति आधार्मिक वृत्ति को लेने के नाते उसे कहा राजसी। बेचारे भेद नहीं कर पाते, मतलब राजसिक बुद्धि का भगवान कृष्ण कहते हैं, वो बुद्धि भेद नहीं कर पाती, उसको ढंग से समझ नहीं पाती धर्म और अधर्म को, भय के कारण भी लगे रहते हैं कुछ छूट ना जाए, अपराध ना हो जाए, जो कर रहे हैं वही करते रहे। तो इसलिए कहते कार्य अकार्य इत्यादि में जो भेद ना कर पाए वो बुद्धि राजसिक है। बाकी कल को श्रवण करेंगे। वंशा कल्प त्रिश कृपा पतिता नाम पावन वैष्णव। हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचे गोसाईर करि चरण वंदन जहाँ इति विघ्न नाश अभीष्ट पुराण ऐचे गोसाई यार मुहि तार दास असवार पद रेणु मोर पंचग्रास